हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तो आज तारीख 6 मई 2022 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि वैसाख माह शुक्ल पक्ष षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, आखिरकार विदेश दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट चुके हैं। यूरोप की यात्रा करके दिल्ली लौटे और अब एक्शन मोड में दिखे प्रधानमंत्री। मानसून और गर्मी के हालातों को लेकर तुरंत उन्होंने मीटिंग भी की। वहीं अब बुद्ध जयंती के मौके पर नेपाल जाएंगे। 16 मई को चंद घंटे के लिए लुम्बिनी भी पहुंचेंगे। नेपाल पीएम के साथ माया देवी मंदिर में दर्शन करेंगे। साथ ही खबर आ रही दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 1100 से भी ज्यादा रेलगाड़ियों को कैंसिल कर दिया, क्योंकि अभी हमारे देश में कोयले की भारी कमी चल रही है, आपको पता होगा, और इसके चलते देश के अधिकतर राज्यों में बिजली की कटौती हो रही है। तो इसी को देखते हुए इंडियन रेलवे की तरफ से अगले 20 दिन तक के लिए 1100 से भी ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। LIC IPO पर अपडेट आ रहा, दूसरे दिन भी लगातार शानदार रिस्पॉन्स मिला, फुल सब्सक्राइब हुआ इश्यू। पॉलिसी धारकों का पोर्शन 3.02 गुना भर चुका है। वह देखिए, बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है। अब आपका नहाना धोना भी महंगा हो गया, क्योंकि साबुन और शैम्पू के दाम एक बार फिर से बढ़ गए। दरअसल दोस्तों, साबुन शैम्पू से लेकर क्रीम और पाउडर तक भी महंगे हो गए। हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL जो है, उस कंपनी ने एक बार फिर से अपने कई सारे प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं। सनसिल्क शैम्पू 10 रुपए तक महंगा हुआ है। लक्स साबुन 9% तक महंगा हुआ है। 100 ml क्लिनिक प्लस शैम्पू 15% महंगा हुआ है। ग्लो एंड लवली की कीमत में 6 से 8% की बढ़ोतरी देखी गई। भारत के सबसे बड़े FMCG ब्रांड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने आज से ही अपने कई सारे प्रोडक्ट्स की कीमतों में 15% तक की बढ़ोतरी कर दी है। और अब आपके जो डेली यूजेज के एक प्रोडक्ट हैं, ये आपको और भी ज्यादा महंगे देखने को मिलेंगे, और जो छोटे पाउचेज आते हैं उनमें भी क्वांटिटी आपको कम देखने को मिलेगी। महंगाई पर एक अपडेट ये भी आना, देखिए आप, सौंफ भी 1000 रुपए महंगी हो चुकी है। जीरा 800 रुपए सस्ता हुआ, उड़द 300 रुपए महंगा हुआ, और धनिया में 500 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई। ये देख सकते हैं आप प्रमुख मंडियों का रेट लिस्ट अपडेट भी, प्रति क्विंटल का भाव है ये, है ना। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, हमारे इसरो की अब बड़ी तैयारी। चांद और मंगल के बाद अब इसरो शुक्र ग्रह पर भेजेगा शुक्रयान, और साल 2024 में इस शुक्रयान मिशन की लॉन्चिंग की जाएगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, लू के असर के चलते इस बार गेहूं का प्रोडक्शन 5.7% कम होगा। सरकारी खरीद भी आधी रहने के आसार हैं। पिछले साल से 45 लाख टन कम गेहूं के प्रोडक्शन का अनुमान लगाया जा रहा है। वह देखिए, पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, और वहां से उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि कोरोना की लहर समाप्त होते ही वापस लागू होगा CAA। वह देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की नई पहल, गोबर के बाद अब गोमूत्र भी खरीदेगी सरकार। और इसके अलावा 10वीं और 12वीं के टॉपर्स जो हैं, वो हेलीकॉप्टर के द्वारा राइडिंग कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार इस तरह की योजना का फायदा देगी। जो 10वीं 12वीं क्लास के बोर्ड के टॉपर्स रहेंगे, उनको सरकार हवाई सफर करवाएगी हेलीकॉप्टर के माध्यम से, है ना। और इसके अलावा आपको बताऊंगा, छत्तीसगढ़ में सरकार पहले से ही किसान भाई लोगों से गोबर तो खरीदती ही है, लेकिन अब गोमूत्र को भी गवर्नमेंट खरीदेगी। इससे किसान भाई लोगों की आय भी बढ़ेगी, और इसके अलावा गायों के गोमूत्र के जरिए अलग अलग प्रोडक्ट भी बनाए जा सकेंगे। वहीं खबर आ रही है, हरियाणा राज्य में स्कूलों में बिजली जाने पर अब बच्चों को नहीं होगी परेशानी, क्योंकि सरकार डबल बैटरी इन्वर्टर लगवाएगी हर स्कूलों में। 80 लाख रुपए का बजट भी जारी कर दिया गया है इसको लेकर। स्कूलों की मांग को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया हरियाणा राज्य में, है ना। अच्छा, वही देखिए, आधार कार्ड पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। उदय का कहना है कि आप अपने आधार के बायोमेट्रिक डेटा को क्राइम यानी कि किसी अपराध को प्रूव करने, सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उदय की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में यह हलफनामा दिया गया है। अच्छा, वही देखिए, टेक्नोलॉजी से अपडेट कि बच्चे अब छोटा भीम खेल पाएंगे जियो गेम्स के ऊपर समर हॉलीडेज यानी गर्मी की छुट्टियों के दौरान। वही देखिए, हरियाणा राज्य में एक नई सुविधा शुरू की गई है, 5 नहीं बल्कि 1 दिन में ही मिलेगी टीबी की जांच की रिपोर्ट। देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा के हिसार में शुरू हो चुका है। मेडिकल साइंस में भारत की ये एक और बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, टीबी की जांच के लिए। हरियाणा में हिसार में जो ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया ना, यहां पर अब 5 दिन में नहीं बल्कि मात्र 1 ही दिन में टीबी के मरीजों की रिपोर्ट मिल जाएगी। देश में पहली बार शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है मरीजों की पहचान जल्दी से करना, और इससे संक्रमण पर अंकुश लगाया जा सकेगा। अच्छा, वही देखिए, PM गरीब कल्याण अन्न योजना में बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश को नहीं मिलेगा मुफ्त वितरण के लिए गेहूं। कई अन्य राज्यों का कोटा भी घटा दिया है सरकार ने। 8 अन्य राज्य जिनमें आप देख सकते हैं, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल का गेहूं का कोटा कम कर दिया। शेष 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गेहूं आवंटन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ओके, और साथ ही देखिए अपडेट, 1.25 साल बाद हरियाणा में नई आरक्षण नीति के साथ होगा पंचायत का चुनाव। हाई कोर्ट ने इस बात की मंजूरी दे दी है। पंचायत चुनाव से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नए नियम के अनुसार चुनाव कराने की अनुमति मिल चुकी है हरियाणा राज्य में,
और आरक्षण में महिलाओं को 50% व BCAA को 8% आरक्षण दिया जाएगा। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में। वह देखिए दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, मुंबई में अब बिना लाउड स्पीकर होगी सुबह की अजान। 26 मस्जिदों के धर्म गुरुओं की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। आपको बताऊंगा, हमारे देश में आजकल लाउड स्पीकर को लेकर काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है मंदिरों और मस्जिदों में, राइट। तो इस पर मुंबई में वाकई में 26 मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से अच्छा फैसला लिया गया। यहां पर अब बिना लाउड स्पीकर के सुबह की अजान होगी। वह देखिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में इलाज की कमी की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई। इंडिया में कोरोना के दौरान 81 लाख लोगों की जान गई, जिनमें से 45% मरीजों को इलाज नहीं मिल पाया था। आपको बताऊंगा, भारत में पहली दूसरी लहर कितनी खतरनाक थी। दूसरी लहर में तो हालात ये हो गए थे कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, तो उन असुविधाओं के चलते भी काफी लोगों की जान गई, ये डेटा जारी किया गया है। अच्छा भाई, देखिए बड़ी खबर आ रही है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो रेपो रेट में बदलाव किया गया, उसके बाद आज बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से भी लेंडिंग रेट्स में बढ़ोतरी कर दी है। यानी कि इन दोनों बैंकों के द्वारा भी अब आपका लिया हुआ लोन जो है महंगा होगा। ये बढ़ोतरी कितनी कितनी की गई है और लोन आपका कितना महंगा पड़ेगा, इसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी रेट्स को भी बढ़ाया गया है। आरबीआई के उस फैसले के बाद आईसीआईसीआई बैंक की नई एफडी रेट की डिटेल भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक एक नया एन्युइटी प्लान भी लेकर आया, जिसमें अब रिटायरमेंट के बाद भी आपको पेंशन मिलती रहेगी, पैसों की टेंशन दूर हो जाएगी। ये एक ऐसा प्लान है आईसीआईसीआई का, जो ये इंश्योरेंस की तरह ही प्लान है, जिसमें आपको लाइफ टाइम फिक्स्ड इनकम मिलती है, जैसे LIC के कई सारे प्लान होते हैं ना, उसी तरह से है ना। और वह देखिए, RBI के बाद US का जो फेडरल बैंक है दोस्तों, US का फेडरल रिजर्व बैंक, जैसे हमारे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह से अमेरिका के फेडरल बैंक ने भी ब्याज दरों में भारी इजाफा यानी कि बढ़ोतरी कर दी है, और ये बढ़ोतरी 2 दशकों में सबसे ज्यादा है। यानी कि देखा जाए तो हमारे सिर्फ भारत में ही महंगाई का असर नहीं है, बल्कि दुनिया भर के कई देशों में कोरोना महामारी के बाद महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी है। RBI के बाद US फेड ने भी अपनी ब्याज दरों में 0.50% की बढ़ोतरी कर दी है, और इसके बाद अमेरिका में भी लोन वगैरह ये चीजें जो महंगी हो चुकी हैं। वहीं देखिए, सरकार के कहने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक और बड़ा फैसला ये लिया गया कि LIC IPO के लिए रविवार को भी खुले रहेंगे बैंक। ऐसे बैंक जो कि ASBA यानी कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट जो है, ये सुविधा देने वाली बैंक ब्रांचेज जो है वो रविवार को भी खुले रहेगी। यानी कि ऐसे बैंक ब्रांचेज जिनमें IPO से संबंधित वगैरह काम होते हैं ना, शेयर मार्केट वगैरह, तो वो बैंक ब्रांचेज जो है अब संडे को भी खुली रहेगी, जब तक LIC का IPO ओपन रहेगा तब तक, बाकी नॉर्मल बैंक तो बंद ही रहेंगे, है ना। वहीं देखिए, हरियाणा राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए उम्र सीमा को बढ़ा दिया है। 6 मई से समान सेवा नियम लागू होंगे। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है, सरकार ने राज्य के सभी विभागों में सरकारी नौकरियों के लिए आयु सीमा में बढ़ोतरी करने का फैसला किया। सभी विभागों को कहा गया कि वे अपने यहां भर्तियों के लिए आयु सीमा 40 के जगह 42 साल करें, और इसके साथ ही राज्य में 6 मई से ही आज से ही सभी सरकारी विभागों में समान सेवा नियम भी लागू होंगे। सामान्य वर्ग के लिए 42 साल होगी अधिकतम आयु सीमा, और भी ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए, राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि बिजली की सब्सिडी का फायदा अब 1 अक्टूबर से सभी लोगों को नहीं मिलेगा। बल्कि केजरीवाल सरकार का कहना है कि दिल्ली में फ्री सब्सिडी जो है, फ्री बिजली जो है, वो अब वैकल्पिक होगी। 1 अक्टूबर से ये व्यवस्था लागू होगी कि जो बिजली की सब्सिडी मांगेगा उन्हें ही बिजली की सब्सिडी मिलेगी। मतलब कि कई लोग ऐसे हैं जो संपन्न हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, वो अगर चाहते हैं कि हमको बिजली की सब्सिडी नहीं लेनी है तो फिर उनको नहीं मिलेगी, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि उनको सब्सिडी मिले, उन लोगों को सब्सिडी मिलेगी। 1 अक्टूबर 2022 से ही राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार जो है ये नियम में बदलाव करने जा रही है। आपको बता दूं, जब से केजरीवाल सरकार सत्ता में आई, 200 यूनिट बिजली एवं पानी की आपूर्ति राजधानी दिल्ली में बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध हो रही है। इसके अलावा स्टार्टअप के लिए 2 साल की छुट्टी भी ले सकेंगे कॉलेज के स्टूडेंट्स। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने ये भी एक बहुत ही अच्छा नया नियम लागू कर दिया है, दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी शुरू की है, और इसके जरिए जो युवा, जो कॉलेज स्टूडेंट्स अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए दिल्ली सरकार उनको फाइनेंशियल, लीगल और प्रोफेशनल हर तरह की मदद तो देगी ही, साथ ही जो छात्र अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनको कॉलेज से 2 साल तक की छुट्टी भी दी जाएगी। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच की बॉर्डर बंद रहेगी अगले 72 घंटों तक के लिए, इलेक्शन वगैरह के चलते ये फैसला लिया गया, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही खबर आ रही है, SC और OBC वर्ग के छात्रों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा मिलेगी और आप भी ऐसे आवेदन कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, जो छात्र कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सरकार ने देश भर में नई योजना शुरू की है, फ्री कोचिंग स्कीम फॉर स्पेशली SC और OBC स्टूडेंट्स के लिए। इसमें सरकार टोटल 3500 स्टूडेंट्स का चयन करेगी। 60% ऑफ टोटल अवेलेबल सीट जो है वो ग्रेजुएशन के लिए रहेगी, और 40% टोटल सीट जो है वो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। इसके लिए नियम और शर्तें भी हैं। इस योजना में वही लोग फायदा ले सकते हैं
जिन एससी और ओबीसी स्टूडेंट्स की फैमिली इनकम सालाना 8 लाख रुपए या इससे कम है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल पोर्टल है इसके लिए coaching.dosje.gov.in पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और इस योजना के तहत चयनित छात्र 6 महीने के अंदर अंदर अपनी पसंद का कोचिंग इंस्टीट्यूट चुन पाएंगे, तो ये वाकई में सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों की बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से एक चक्रवात तूफान साइक्लोन को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की गई है। अगले 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान देखिए चक्रवात का अनुमान जारी किया गया और इस चक्रवात तूफान के चलते किन किन राज्यों में बारिश और आंधी चलने की चेतावनी है। तो भारत के कई राज्यों को लू से राहत मिलेगी, गर्मी से भी राहत मिलेगी इस आंधी तूफान के चलते। हालांकि दोस्तों, जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप का विदेश दौरा करके भारत लौटे, तुरंत मौसम को लेकर एक्शन में आई केंद्र सरकार। पीएम मोदी ने हीट वेव और मानसून की तैयारियों पर बैठक की। उड़ीसा राज्य में चक्रवात तूफान आसानी को लेकर फिर से हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। और इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान के खतरों को देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और राज्य सरकारों को सतर्क रहने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश में देखिए भारी बारिश और तूफान ने तबाही मचाई, एक महिला की मौत हो गई, बिजली गिरने से 2 लोग झुलसे, 2 दिन राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं देखिए नॉर्थ से साउथ इंडिया तक कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि देश में इस बार 10 दिन पहले दस्तक देगा मानसून। 21 मई को केरल तट से टकरा सकता है मानसून, को लेकर मौसम विभाग की तरफ से बड़ी भविष्यवाणी निकल कर आ रही है। बाकी हिस्सों में भी जल्द पहुंचेगा मानसून। और इसी बीच देखिए आप संपूर्ण भारत का आज 6 मई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों और पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भी हल्की बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का मौसम अपडेट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट देखिए, आज सोना 500 रुपए और चांदी 1000 रुपए से भी ज्यादा महंगी हुई। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक सोना फिर से 55,000 के पार जा सकता है। सराफा बाजार में सोने में 565 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 51,620 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है और चांदी में 1,122 रुपए की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 63,660 रुपए प्रति किलोग्राम चलना। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस के बाद कुछ कोरोना बुलेटिन देखिए आप। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 3275 मामले मिले और 55 मरीजों की मौत हुई। कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा यानी कि बढ़ोतरी देखी गई। 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी कोरोना के केस सबसे ज्यादा आ रहे हैं, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 5 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले नए आ रहे हैं। वही दोस्तों, वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हो रहा है कि आप सावधान हो जाएं। अस्पतालों में कोरोना का अलर्ट भी जारी किया गया। दूसरी लहर के दौरान IGIMS में सबसे अधिक स्टाफ संक्रमित हुए थे और अब चौथी लहर को लेकर सतर्कता भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वही देखिए हैदराबाद में हुई एक वैज्ञानिक स्टडी में भी चौंकाने वाले नतीजे सामने आए कि अब हवा से भी फैल रहा कोरोना। कोरोना का धीरे धीरे जैसे जैसे नए नए वेरिएंट में म्यूटेशन हो रहा ना दोस्तों, ये हवा के जरिए भी स्प्रेड हो रहा है, इसलिए हमें मास्क लगाने की अब सख्त जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। राइट, वह देखिए WHO ने एक बड़ा खुलासा किया कि दुनिया भर में कोरोना से 1.5 करोड़ मौतें हुई, ये जारी आंकड़े से 3 गुना ज्यादा है। भारत में भी 47 लाख लोग महामारी का शिकार बने, ये कहना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। हालांकि दोस्तों, WHO के द्वारा जारी किए गए इस डेटा पर यानी कि इस दावे पर केंद्र सरकार ने एतराज भी जताया। वहीं कोरोना पर वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में ये बात भी सामने आई कि कोरोना इंसान के दिमाग को भी बूढ़ा बना रहा है। गंभीर मरीजों का दिमाग 20 साल बूढ़ा हो रहा है और मानसिक बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि कोरोना मेंटल डिजीज को ज्यादा बढ़ा रहा है। राइट, अच्छा, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। UGC की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया दोस्तों, नेट और JRF से होंगे PhD की 60% सीटों पर एडमिशन। UGC ने PhD को लेकर बड़ा फैसला लिया और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से नए नियम के मुताबिक अब PhD के 60% सीटों का एडमिशन जो है NET और JRF एग्जाम के आधार पर किए जाएंगे। वहीं MBBS के बाद अब दूसरे कॉलेज में नहीं कर सकेंगे इंटर्नशिप, NMC ने इस नियम को भी बदल दिया। जो मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। मेडिकल कॉलेजों में 4.5 साल तक MBBS की डिग्री हासिल करने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप भी अनिवार्य कर दी गई है और वो भी सेम कॉलेज से ही आपको करनी पड़ेगी, दूसरे कॉलेज में आप इंटर्नशिप नहीं कर पाएंगे। क्लेट एग्जाम पर खबर आ रही है कि 9 मई तक के ही कर सकेंगे आवेदन, परीक्षा की तिथि और प्रारूप आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। वहीं दोस्तों, UPSC की तरफ से एग्जाम कैलेंडर 2023 भी जारी कर दिया गया है। 28 मई को
यानी कि 28 मई 2023 को सिविल सर्विस एग्जाम होगा और बाकी भी यूपीएससी की तरफ से और भी कई सारे नए एग्जाम के लिए डेट और एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया। तो आप ऑफिशियल पोर्टल upsc.gov.in पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा मैं देखिए एक अच्छी खबर, केंद्रीय विद्यालय में अनाथ बच्चों को प्रवेश में मिलेगी वरीयता। पीएम केयर चाइल्ड स्कीम के अंतर्गत मिलेगा लाभ। जो कोरोना के दौरान अपने माता पिता को गंवा चुके हैं उन बच्चों के लिए ये स्पेशली सरकार की तरफ से नई सुविधा जारी की गई है। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। साथ ही पंजाब सरकार ने 26,454 नई नौकरियों का ऐलान भी कर दिया है। जल्दी आप पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए cup.edu.in के जरिए आवेदन कर पाएंगे कई सारे पोस्टें जो यूनिवर्सिटीज के अंदर भर्तियां निकली हैं उनके लिए, है ना। अच्छा साथ ही अपडेट देखिए, छत्तीसगढ़ स्टेट सर्विस मेंस का एग्जाम शेड्यूल जारी हो चुका है। परीक्षाओं का आयोजन किस किस तारीख को होगा देख सकते हैं आप। मेंस एग्जाम 26 मई 2022 से होना है, 26, 27, 28, 29 मई को आयोजित होगी दो पालियों में। वहीं उत्तराखंड बोर्ड पर स्टूडेंट्स के लिए अपडेट आ रहा है कि 10वीं के नतीजे आए बिना छात्रों को आज से ही 11वीं में प्रवेश भी मिलेगा। शिक्षा निदेशक ने निर्देश भी जारी कर दिए। साथ ही देखिए NSUT और DTU में पढ़ने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है, दोनों जगहों पर जल्द ही शुरू होगी MBBS कोर्स की पढ़ाई। वहीं खबर आ रही कि नीट PG एग्जाम को रद्द करवाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं छात्र, और अब देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से इस पर क्या अपडेट आता है। जानकारी के लिए बता दूं 21 मई को नीट PG 2022 की परीक्षा होनी है, लेकिन स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि तैयारी के कुछ और समय मिले उनको, इसलिए इस परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वहीं महाराष्ट्र में CET रजिस्ट्रेशन की डेट 11 मई तक आगे बढ़ गई है। इस पोर्टल के जरिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला देखिए, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया को भी खत्म कर दिया, इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। अच्छा वहीं देखिए NCTE टीचर ट्रेनिंग को लेकर बड़ा फैसला है, टीचर एजुकेशन के इन संस्थानों पर रोक लगा दी है। यहां से आप भूल कर भी एडमिशन ना लें, क्योंकि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे तो उनको कैंसिल कर दिया, ठीक है ना, तो उनसे अब आपको ये नहीं करना है। CBSE का बड़ा फैसला देखिए, कोरोना संक्रमित छात्र नहीं दे पाएंगे टर्म 2 का एग्जाम, लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट मिल जाएगा, वो कैसे तो इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं गोरखपुर यूनिवर्सिटी एग्जाम पर खबर आ रही है, BA पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश की परीक्षाएं स्थगित की गई। 11-12 मई को BA BSc सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल 7 मई को होगा। ओके तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल खबरें, और आइए अब अपन फटाफट से कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट देख लेते हैं। देखिए अमरनाथ यात्रा को लेकर इस बार यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है। खुफिया नेटवर्क भी बनाया गया, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से पैनी नजर रखी जाएगी CRPF के जवानों के द्वारा। वही दोस्तों सरकार इंडियन आर्मी के जवानों के लिए अब इस तरह के बुलेट प्रूफ जैकेट ऑर्डर कर रही है, जो कि जवानों को नई ताकत देंगे और इंडियन आर्मी की सुरक्षा को लेकर सरकार का अच्छा फैसला है। साथ ही देखिए उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में बुलडोजर को लेकर प्रशासन का कहना है कि अब रोस्टर के हिसाब से चलेगा बुलडोजर, निगम का प्लान तैयार हो चुका है, सरकारी जमीन मुक्त होंगे। वही दोस्तों टूरिस्टों के लिए अच्छी खबर है, अब UAE से भारत आने वाले पर्यटकों को जो पूरी तरह से टीकाकरण वाले यात्री हैं उनको कोरोना टेस्ट या RT-PCR टेस्ट नहीं करवाना होगा। साथ ही देखिए खेती की मशीनों पर 50% तक सीधी सब्सिडी देगी, इस राज्य सरकार की तरफ से किसान भाई लोगों को बड़ा तोहफा दिया गया है। दरअसल दोस्तों हरियाणा सरकार अब किसान भाई लोगों को खेती के मशीनरी उपकरण खरीदने के लिए जैसे कि ट्रैक्टर टीलर वगैरह थ्रेशर ऐसे कुछ भी खरीदेंगे तो उनकी जितनी कीमत होगी उनमें सीधा 50% छूट देगी सरकार। किसान भाई लोगों को महंगाई का बोझ कम करने के लिए और उनकी इनकम बढ़ाने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट का वाकई में अच्छा फैसला है। वही दोस्तों मार्क जकरबर्ग जो कि फेसबुक के मालिक हैं CEO हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज से ही व्हाट्सएप पर आपको बड़ा अपडेट मिलेगा, और वो ये कि आप व्हाट्सएप मैसेज पर इमोजी रिएक्शन कर पाएंगे, है ना। और वही देखिए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका दिया, 2 सप्ताह के अंदर महापालिका चुनाव की तारीखों का ऐलान करने का आदेश दिया। वही देखिए जम्मू कश्मीर से तजाकिस्तान तक हिली धरती, 5.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हिमाचल सरकार ने औद्योगिक नीति निवेश के प्रोत्साहन अवधि को 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। निवेश के लिए कुछ नई शर्तें भी बनाई गई हैं जिनकी डिटेल्स जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि केवल कुछ महीनों तक साथ रहने और बच्चा होने से विवाह की धारणा नहीं बनती है, पार्टियों का आचरण प्रासंगिक है। महिला पुरुष लिव इन रिलेशनशिप और पति पत्नी को लेकर ये बड़ा फैसला देख सकते हैं। साथ ही देखिए साल 2023 तक हर आवासहीन परिवार को मिलेगी छत। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को लिखा 13 लाख आवास स्वीकृत करने के लिए पत्र। इंडियन रेलवे का एक बड़ा फैसला देखिए, आगरा ईदगाह स्टेशन होगा सेंट्रल के रूप में विकसित।
बनेगी डबल रेल लाइन। वही देखिए उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला, 22,000 लोगों को मिलेगा 28% महंगाई भत्ते का लाभ। जो पहले महंगाई भत्ता 17% था उसको बढ़ाकर 11% बढ़ा दिया, अब 28% मिलेगा रोडवेज कर्मचारियों को। वही देखिए गूगल कंपनी का बड़ा फैसला, यूट्यूब गो को गूगल बंद करने जा रही है। कंपनी का कहना है कि अगर आप यूट्यूब गो का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मेन यूट्यूब ऐप पर ही इसकी फैसिलिटी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में ई लर्निंग पार्कों के साथ उच्च शिक्षा को बढ़ावा देगी सरकार, 120 डिग्री कॉलेजों में शुरू होंगे ई लर्निंग पार्क भी। और यूपी में योगी सरकार अगले 100 दिन में एब केस यूपी पोर्टल भी लॉन्च करने जा रही है। इसके तहत छात्रों और शिक्षकों के विभिन्न पहलुओं को जोड़ा जाएगा, जानकारी ज्यादा आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, इस सिकड़े में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट, वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा नदियाँ किस राज्य में है, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी TLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल TLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।